हाय फ्रेंड्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन के वीडियोस में हम पार्ट 6 स्टेट्स कर रहे हैं, जिसमें आर्टिकल्स 152 से लेके 237 तक होते हैं और ये 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और चैप्टर 2 कर रहे हैं। चैप्टर 1 हमने फिनिश किया, चैप्टर 2 एग्जीक्यूटिव, जिसमें आर्टिकल्स 153 से लेके 167 तक है। तो आर्टिकल 162 करना है, 161 तक प्रीवियस वीडियो में हमने कर लिया, ठीक है। आर्टिकल 162 क्या है? इट्स अबाउट एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। तो इसका मतलब है स्टेट को पावर्स इम्प्लीमेंट करने का राइट कहाँ तक है, ठीक है। कोई भी पावर्स हो उसको इम्प्लीमेंट कहाँ तक कर सकते हैं और कौन से पावर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट दैट एक्सटेंड टू द मैटर्स विथ रेस्पेक्ट टू विच लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट हैज़ पावर टू मेक लॉस। सिंपल सी बात है ये, अगर लेजिस्लेचर जो जिन बातों पे, जिन मैटर्स पे लॉस बना सकती हैं, उन्हीं मैटर्स को इम्प्लीमेंट कर सकती हैं स्टेट, ठीक है। तो जो लॉस बना ही नहीं सकती हैं, जिसके पास पावर्स ही नहीं है लॉ बनाने के लिए, वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती हैं। पॉसिबल क्वेश्चन, एग्जीक्यूटिव हैज़ ओनली दोज पावर्स ऑन विच द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट हैज़ पावर्स टू मेक लॉस। ट्रू और फॉल्स? ट्रू है। एक राइडर है, प्रोवाइडेड दैट इन एनी मैटर विथ रेस्पेक्ट टू विच द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट एंड पार्लियामेंट हैव पावर टू मेक लॉस। कभी कभी ऐसे कोई टॉपिक्स हो जाते हैं जो कॉमन पावर्स हैं, पार्लियामेंट को भी उस टॉपिक के ऊपर पावर है और लेजिस्लेचर को भी पावर है, जो चीज़ें कंकरेंट लिस्ट में लिखे होते हैं, तो तब क्या होगा? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट ऐसे ऐसे सिचुएशंस में इम्प्लीमेंटेशन पावर, स्टेट का इम्प्लीमेंटेशन पावर कैसा होगा? शैल बी सब्जेक्ट टू एंड लिमिटेड बाय द एग्जीक्यूटिव पावर एक्सप्रेसली कन्फर्ड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और मतलब जब कॉमन टॉपिक्स हो जाते हैं तो स्टेट कैसे अपना पावर, अपना इम्प्लीमेंटेशन पावर करेगी? अगर कॉन्स्टिट्यूशन उस पर्टिकुलर टॉपिक्स में स्पेशली बताया कि इस टॉपिक में स्टेट ऐसे करेगी, तब ऐसे करेंगे स्टेट, और बाय एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। अगर उस कॉमन टॉपिक पे पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया होगा तो उसको फॉलो करेगी अपॉन द यूनियन और द अथॉरिटीज देयर ऑफ। तो दो सिचु, एक कॉमन टॉपिक्स में स्टेट लेजिस्लेचर कैसे पावर दिखाएगी, स्टेट एग्जीक्यूटिव ऐसे दिखाएगी अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने उस टॉपिक में स्पेशली बताया होगा कि स्टेट को ऐसे इम्प्लीमेंट करना है, या पार्लियामेंट ने लॉ बनाया होगा तो वैसे करेगी उस पॉइंट्स पे। तो पॉसिबल क्वेश्चन, सपोज फॉरेस्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है कंकरेंट लिस्ट में कॉमन पावर्स वाले, सपोज फॉरेस्ट इज अ सब्जेक्ट इन कंकरेंट लिस्ट, तो हाउ डज अ स्टेट एक्सरसाइज इट्स पावर्स इफ देर इज ए सेंट्रल एक्ट ऑन फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट तो कॉमन टॉपिक है, अगर कोई लॉ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशली कुछ नहीं बताया, या सेंट्रल कोई लॉ नहीं है, पार्लियामेंट ने कोई लॉ नहीं बनाया, तब फॉरेस्ट के बारे में स्टेट को अपना लॉस बना के इम्प्लीमेंट करने का राइट होता है। लेकिन अगर कोई लॉ हो सेंट्रल एक्ट, तब क्या करेगी? उसी को फॉलो करेगी, स्टेट फॉलोस द प्रोविजंस ऑफ दैट एक्ट। तो अगर लॉ नहीं है सेंट्रल में, तब जाके अपना करेगी, या कॉन्स्टिट्यूशन ने भी नहीं बताया कि स्पेशली इस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, तो अपना रूल्स बनाएगी, ठीक है। ये बात है इसके इस आर्टिकल को, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। तो एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन आर्टिकल 73 में है, आपको दोनों को कंपेयर करते करते पढ़ेंगे। जब स्टेट पढ़ रहे हैं, यूनियन तो हमने पूरा ख़त्म कर लिया पार्ट 5 में, तो जब भी स्टेट कर रहे हैं हम, उसमें जो भी आर्टिकल है उस सिमिलर आर्टिकल सेंट्रल में भी है, यूनियन में भी है, तो उसके साथ पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, ओके। तो इस आर्टिकल 162 के साथ आपको पढ़ना है आर्टिकल 73, एक बार रिवाइज करना है, विच इज़ अबाउट एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। तो अब देखते हैं आर्टिकल 163 क्या है। इट्स अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। तो सीएम मिनिस्टर्स कैसे बनते हैं वह बात है। तो 163 का फर्स्ट क्लॉज, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होगा विद द सीएम as the head to aid and advise the governor in the exercise of his functions। तो हम बोल रहे हैं कि गवर्नर एग्जीक्यूटिव हेड है स्टेट का, तो उसको असिस्ट करने के लिए सीएम और उसके मिनिस्टर्स होंगे, एक्सेप्ट इन सो फार एज ही इज बाई और अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज फंक्शंस और एनी ऑफ देम इन हिज डिस्क्रिशन। तो जनरली 99% टॉपिक्स पे गवर्नर को एड एंड एडवाइस
सीएम और मिनिस्टर्स करेंगे, लेकिन ऐसे कोई पॉइंट्स हैं गवर्नर को अपने डिस्क्रिशन अपना सोच के करना होता है, जैसे कि इसी मिनिस्ट्री को निकालना। तो ऐसे मोमेंट्स में इनका एडवाइस नहीं होता है। तो ऐसे दो सिचुएशंस है, एक तो 99% सीएम और इनके मिनिस्टर्स का एडवाइस लेंगे, और 1% कुछ स्पेशल सिचुएशंस में अपना डिस्क्रिशन यूज़ करके अपना पावर्स यूज़ करेंगे। पॉसिबल क्वेश्चंस, कैन वी से दैट जनरली द गवर्नर एक्ट्स विद एडवाइस एंड एड ऑफ द सीएम एंड मिनिस्टर्स, बट एट टाइम्स ही एक्ट्स, एट टाइम्स मतलब रेयरली, कभी कभी ही एक्ट्स एज पर हिज डिस्क्रिशन। सही है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल बताया मैंने, कहाँ अपना डिस्क्रिशन यूज़ करते हैं वो। 163 का सेकेंड क्लॉज, इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर एनी मैटर और वेदर एनी मैटर इज और इज नॉट ए मैटर एज रेस्पेक्ट्स विच द गवर्नर इज बाई और अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन। तो अगर ऐसी कोई बात आती है तो गवर्नर का एक्शन अपने आप लेना है या एडवाइस लेके लेना है, ऐसा कोई डाउट होता है, अगर कोई एक्शन कर भी लिया वो एडवाइस लेके करना चाहिए था आपको, अपने आप नहीं करना चाहिए था, ऐसा कोई डाउट वाले पॉइंट होता है तो क्या होगा, द डिसीशन ऑफ द गवर्नर इन हिज डिस्क्रिशन शैल बी फाइनल। तो उस अगर डाउटफुल केसेस में गवर्नर ने अपने डिस्क्रिशन में जो किया वही डिसीशन फाइनल होगा, एंड द वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग डन बाय द गवर्नर शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। तो उस मोमेंट्स में गवर्नर की जो भी डिसीशन, जो भी एक्ट है, उसको क्वेश्चन करने का राइट नहीं है, ऑन द ग्राउंड दैट ही ought और ought not to have acted in his discretion। तो ऐसे डिस्कशन की बात ही नहीं है, गवर्नर एड के साथ करें, एडवाइस के साथ करें, अपने आप करें, लेकिन गवर्नर जो भी करते हैं वो फाइनल है। पॉसिबल क्वेश्चंस, ये गवर्नर्स एक्शंस आर नॉट क्वेश्चनेबल। ट्रू, बिल्कुल सही है, उनकी अपनी मन है कि हम एडवाइस लेके करें सीएम और मिनिस्टर्स का या अपने आप करें। तो 163 का थर्ड क्लॉज, तो द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द गवर्नर शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू इन एनी कोर्ट। तो यहाँ तो हम बोल रहे हैं कि गवर्नर जो भी डिसीजन लेते हैं वो फाइनल है, क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे बातों पे, और दूसरा कौन सा एडवाइस सीएम और मिनिस्टर्स ने गवर्नर को दिया करके पूछते कोर्ट भी कोई नहीं पहुंच सकते हैं। तो सीएम और मिनिस्टर्स का एड एंड एडवाइस, सहायता जो भी है, एडवाइस जो भी है जो गवर्नर को दिया, वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, ओपन नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो पॉसिबल क्वेश्चंस, कैन वी से दैट द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू गवर्नर डू नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू। बिल्कुल सही है, उसको कोर्ट में जाके रिव्यू करने की बात ही नहीं है कि आपने इस मिनिस्टर्स ने, इस सीएम ने गवर्नर को इस बात पे कौन सा एडवाइस दिया, ये हमें पता नहीं चलेगा। आंसर सही है। सो अगर कंपेयर करना है इस वाले आर्टिकल के साथ, आर्टिकल 74 है यूनियन का, आप बिल्कुल देख लीजिए, एक आधा एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी होंगे, बार बार यहाँ डिस्कस करना टाइम वेस्ट है, ठीक है। आर्टिकल 164, अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, तो और कौन से प्रोविजंस हैं मिनिस्टर्स को, एक तो एड और एडवाइस देने का है, और क्या क्या है, और कैसे ये अपॉइंट होते हैं, ये सब। 164 का फर्स्ट क्लॉज, द सीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएम। तो ये पीएम के लिए भी अप्लीकेबल हैं, पीएम और प्रेसिडेंट, तो आप आराम से कंपेयर कर सकते हैं। तो सीएम कैसे, कौन अपॉइंट करते हैं, गवर्नर, और सीएम के पास जो मिनिस्टर्स होते हैं इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, उस मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करते हैं, ये नहीं है कि सीएम को गवर्नर ने किया और बाकी मिनिस्टर्स को सीएम ने अपने आप किया, अपने स्टाफ को, ऐसा नहीं है, मिनिस्टर्स को भी गवर्नर ही करते हैं, लेकिन सीएम का एडवाइस लेके। एंड द मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, किसके प्लेजर पे ये लोग रहते हैं सीएम और मिनिस्टर्स, सब गवर्नर के प्लेजर में, क्योंकि जो अपॉइंट करते हैं वही डिसमिसल अथॉरिटी भी होता है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज इक्वल टू डिसमिसिंग अथॉरिटी।
गवर्नर ने अपॉइंट किया, प्रेसिडेंट ने निकाला, ऐसा नहीं होता। जो अपॉइंट करते हैं वही डिसमिस उन्हीं को डिसमिस करने का राइट होता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, सीएम और मिनिस्टर्स दोनों को गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन मिनिस्टर्स को सीएम का एडवाइस भी लेते हैं। पॉसिबल क्वेश्चंस, मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, ट्रू? तो बिल्कुल सही है, मिनिस्टर्स में सीएम भी आते हैं, वो भी चीफ मिनिस्टर हैं। तो हु अपॉइंट्स द सीएम? गवर्नर। हु अपॉइंट्स मिनिस्टर्स? गवर्नर, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम। एक राइडर है, कंडीशन प्रोवाइडेड दैट इन द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा देर शैल बी ए मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल अफेयर। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल अफेयर, ये हमेशा एग्जाम में आता है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीट होता रहता है। कौन से स्टेट्स में मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल अफेयर होते हैं? तो इन चार स्टेट्स के साथ साथ और भी स्टेट्स देते हैं, या इसमें से दो देंगे बाकी और देंगे, आपको याद रहना चाहिए कौन से चार में ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होते हैं। हु में इस मिनिस्टर, हु में इन एडिशन टू इन चार्ज ऑफ द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस ऑफ इन और एनी अदर वर्क, और भी कोई काम कर सकते हैं। तो ये ट्राइबल वेलफेयर, शेड्यूल कास्ट वेलफेयर, बैकवर्ड कास्ट वेलफेयर मिनिस्टर हैं ये इन चार स्टेट्स के, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा। याद कैसे रखेंगे, देखिए मध्य प्रदेश से ही कट के छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड बनी है। झारखंड बनने के बाद झारखंड को ट्राइबल में छोड़ दिया और बिहार को निकाल दिया लग रहा है, और ओडिशा तो फेमस है, ट्राइबल ज़्यादा होते हैं वहाँ। तो याद कैसे करते हैं आप देख लीजिए, 164 का फर्स्ट क्लॉज का एक और क्लॉज है ए, 164(1)(a), द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द सीएम इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। तो 15% से अगर मेंबर्स 100 हैं तो सीएम प्लस मिनिस्टर्स मिला के 15 ही होना चाहिए वहाँ, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उस यही मतलब में 15% का। और पॉसिबल क्वेश्चंस, नंबर ऑफ सीएम और मिनिस्टर्स मिला के कितने होना चाहिए? लेस दैन और इक्वल टू 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट स्टेट। एक और है, प्रोवाइडेड दैट द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द सीएम इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ए स्टेट शैल नॉट बी लेस दैन 12। तो 15% उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और 12 से कम भी नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ, सो पॉसिबल क्वेश्चंस, नंबर ऑफ सीएम प्लस मिनिस्टर्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 12, कम से कम 12 होना चाहिए, मिनिमम 12, और 15% मैक्सिमम है। तो एक और कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द सीएम इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन एनी स्टेट एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, जब ये बनी थी, एक्सीड्स, ये बनने के बाद ये रूल आ गया कि ये 15% ये 12 ये सब, एक्सीड्स द सेट 15% और द नंबर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट प्रोविजन, फर्स्ट प्रोविजन मतलब ये वाली, अगर एक्सीड हो गया होगा 15% से ज़्यादा हो गए होंगे और 12 से कम रह गए होंगे, एज द केस में बी, देन द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन दैट स्टेट शैल बी ब्रॉट इन कन्फॉर्मिटी विद द प्रोविजन्स ऑफ दिस क्लॉज, मतलब ये क्लॉज जो भी हैं 12 से कम नहीं होना चाहिए, 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसको फॉलो करेंगे, कब तक फॉलो करेंगे, विद इन 6 months फ्रॉम सच डेट, ये वाली डेट पे ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लागू इम्प्लीमेंट हुई थी एज द प्रेसिडेंट में बाय पब्लिक नोटिफिकेशन अपॉइंट। इसमें कुछ नहीं है, अगर ये लेस दैन 15% और ग्रेटर दैन और इक्वल टू 12 ये फिक्स रहेंगे, अगर नहीं है तो फिक्स हो जाएंगे उसके हिसाब से। पॉसिबल क्वेश्चंस, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 7 जनवरी 2004, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। तो 164(1)(b), ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट और एदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल बिलोंगिंग टू एनी पोलिटिकल पार्टी हु इज डिसक्वालिफाइड फॉर बींग ए मेंबर ऑफ दैट हाउस। ये डिसक्वालिफिकेशन के बारे में है, अगर कोई भी MLA हो, MLC हो, डिसक्वालीफाई हो गए, डिसक्वालीफाई कैसे होंगे, 10th शेड्यूल में डिसक्वालिफिकेशन के रूल्स हैं, आपने पार्टी के अगेंस्ट गए, अगेंस्ट वोट किया, पार्टी के अगेंस्ट कुछ किया, तो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। डिसक्वालीफाई अगर कोई हो गए अंडर पैरा 2 ऑफ द
10th शेड्यूल शैल ऑल्सो बी डिसक्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर. मेंबर ही नहीं रह सकते हैं असेंबली का, तो वो मिनिस्टर भी नहीं, मिनिस्टर भी अपॉइंट नहीं हो सकते हैं अंडर क्लॉज वन. तो पहले वाले इस क्लॉज में जैसे मिनिस्टर्स कैसे बनते हैं, तो जो मेंबर नहीं बन, मेंबर डिसक्वालीफाई हो गया तो उसको मिनिस्टर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं. कब तक कर नहीं कर सकते हैं? फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डिसक्वालिफिकेशन. उस डेट से कब से, जिस दिन से डिसक्वालीफाई हो गया उस दिन से कब तक, टिल द डेट ऑन विच द टर्म ऑफ हिज ऑफिस एज सच मेंबर वुड एक्सपायर. इनका टर्म जब तक खत्म ना हो तब तक, या और वेयर ही कंटेस्ट एनी इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट और इधर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल एज द केस मे बी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड. एक तो अपना डिसक्वालिफिकेशन स्टार्ट हो गया उस डेट से जब तक अपना मेंबरशिप खत्म ना हो, उस टर्म खत्म ना हो तब तक, या उस बीच में कोई इलेक्शन कंटेस्ट करके एमएलए बने या एमएलसी बने तब तक, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड. मतलब टर्म खत्म होने से पहले दोबारा इलेक्शन लड़के अगर वो मेंबर बन सकते हैं या एमएलसी बन सकते हैं तब तक, टिल द डेट ऑन विच ही इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड विच एवर इज एलिया. इसका मतलब फिर से इलेक्ट होना पड़ेगा और जिस पीरियड का, जिस टर्म में डिसक्वालीफाई हो गए उस पीरियड में वो मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं. इतना ही है इसमें. पॉसिबल क्वेश्चन, इफ एन एमएलए और एमएलसी इज डिसक्वालीफाइड टू बी ए मेंबर ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर एज वेल. जो मेंबर ही नहीं बन सकते हैं वो मिनिस्टर कैसे होंगे, ये वाली सिंपल लॉजिक है. टिल ही बिकम्स ए मेंबर अगेन, कैसे भी बने, टर्म खत्म होकर फिर इलेक्शन लड़के बने, कैसे भी बने, एमएलसी बने, कैसे बने. सो आंसर ट्रू है. थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो.